खीरी मोहम्मदी कस्बे में मोहल्ला बाजार खुर्द में आज सुबह एक युवक को गोली मार दी गई है। सुबह टहलने जा रहा था मोहल्ला बाजार खुर्द निवासी अंशु दीक्षित को कुछ लोगों द्वारा गोली मार दी गई है। मोहम्मदी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय त्यागी ने बताया कि उनके परिजनों का कहना है कि राजेश कटियार उनके पुत्र द्वारा गोली मारी गई है। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। आपको बता दें कि घायलों अवस्था में अनारफनान में राहगीरों द्वारा CSC मोहम्मदी ले जाया गया, जहां हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें लखीमपुर खीरी जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं प्राइम बेकिंग न्यूज़ चैनल के लिए लखीमपुर खीरी से रितेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गगन दीक्षित। कहाँ के निवासी हैं? मोहल्ला बाजार खुर्द मोहम्मदी। क्या घटना घटित हुई आपके साथ? मेरा भाई, छोटा भाई जो है वो रोज़ टहलने जाता था। आज वो निकला तो कारौले मोहल्ले में 4-5-6 लोगों ने घात लगा के उसे गोली मारी, हत्या करने का प्रयास किया। क्या नाम है आपका? नाम बता दो। क्या घटना क्या हो गई? हमारा लड़का बाहर और स्टार लगी गोली चले लगी खैर लगी। कौन लोग थे ये जानकारी? कटियार में राजेश कटियार उनके बच्चे हैं। कहाँ है आप लड़का? आप कहाँ? अस्पताल में। जी जी हाँ, मैं ये आज 19 को समय करीब 5 बजे कस्बा थाना मोहम्मदी के अंशु और अक्षर दीक्षित टहलने गए थे सुबह। क्या? हाँ, सुबह टहलने गए थे और इनका कहना है कि मोहम्मदी के इनके विपक्षी राजेश कटिया और उनके पुत्रों ने आदि ने इन पर फायर की, जिससे इनके पीठ में और वो जांग पर और हाथ पर छर्रे लगे हैं, जिसकी जो है अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई। तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।